दोस्तों इतिहास के पन्नों की तरह हमारा अखंड भारत भी कहीं इतिहास ही बनकर रह गया है। ऐसा लगता है कि हमें किसी ने भूलने पर मजबूर कर दिया हो कि हम अखंड भारत के भी हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको पता भी है कि जब हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था तो उस वक्त यहाँ के मूल निवासी कौन हुआ करते थे? हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप हमारी सही वीडियो पर आए हैं। आज आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ कि अखंड भारत के जो मूल निवासी हैं, जो अखंड भारत के मूल निवासी हुआ करते थे, वो आखिर कौन है, किन्हें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो अखंड भारत के मूल निवासी होने का वो गर्व महसूस करते थे। ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि अखंड भारत के मूल निवासी आर्यन हुआ करते थे, यानी कि आर्य। लेकिन ये बात कहां तक सच है, आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत, अखंड भारत के जो मूल निवासी हैं, वो आखिर कौन है। दोस्तों, वास्तव में आर्यन उन लोगों को कहा जाता था जो प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे और जो प्राचीन ईरान उत्तरी भारतीय महाद्वीपों में बसने की सोच रहे थे। दोस्तों, आर्य भारत में पूर्व वैदिक काल से बसे थे। इसे सप्त सिंधु या सात नदियों की धारा भी कहा जाता है, जिसमें झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, सिंधु और सरस्वती की धारा बहती है। 18वीं शताब्दी में जो लोग पुरानी हिंद यूरोपीय भाषा यानी के हिंदी, उर्दू, उसमें आपका अंग्रेजी आता था, जर्मन, पुर्तगाली और स्पेनिश, डच, फारसी और बंगला और पंजाबी, ये सारी भाषाओं के वो ज्ञानी थे, ये सारी भाषाएं वो जानते थे। इन सब भाषाओं को जानने के बाद उनके पूर्वज भारतीय ईरानी वासी के मूल निवासी हुआ करते थे। आर्यन शब्द का जो प्रयोग है वो न केवल भारतीय ईरानी लोगों के लिए किया जाता है, बल्कि इसका इस्तेमाल हिंद यूरोपीय मूल लोगों के लिए भी किया जाता था। इनमें अल्बेनियाई, कुर्द, अर्मेनियाई, यूनानी, लातिनी और जर्मन भी शामिल थे। बाद में बाल्टिक, सेल्ट और स्लावी भी इसी समूह में गिने जाने लगे। इसके संबंध में ये तर्क दिया गया कि इन सभी भाषाओं का जो मूल स्रोत है वो एक ही है, जिसे आज पुर्तगाली और यूरोपीय नाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दरअसल ये सारी जो भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों के जो पूर्वज थे वो यूरोपीय ईरानी यानी के आर्यन थे। पुर्तगाली यूरोपीय सजातीय समूह और उनके वंशजों को आर्यन कहा जाता था। परंतु कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि आर्य जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, जिसका माने होता है श्रेष्ठ, उच्च, और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा इसलिए है कि आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं है, बल्कि ये एक शब्द है जो श्रेष्ठ के स्थान पर प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच का जो युग है उसे हम वैदिक युग कहते हैं, यानी के ऋग वैदिक काल, और बाद में वैदिक युग में विभाजित किया गया इसे। पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का बीच का ये युग कहलाता है। ये वो युग था जिसमें आर्य जो होते थे वो भारत पर आक्रमण कर सकते थे। ऐसा माना जाता है कि आर्यन शब्द की जो बुनियाद है वो वेद से निकलता है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान, एजुकेशन, उच्च विधा, और चार प्रकार के वेद महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यह 10 किताबों से बना है और इसमें 1028 भजन हैं, जिन्हें अलग अलग ईश्वरों के लिए व्याख्या किया गया है। इसमें मंडल 2 से 7 तक पारिवारिक पुस्तक के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये पारिवारिक कथाओं जैसे कि गृद्धमदा, विश्वामित्र, वामदेव, आरती, भारद्वाजा और वशिष्ठा पर आधारित ये हुआ करता था। उसके बाद यजुर्वेद आता है, यह राजनीति, जीवन, सामाजिक जीवन, नियम और कायदों के बारे में ये बताता है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में इसे विभाजित किया गया है। उसके बाद सामवेद है, ये कीर्तन और प्रार्थनाओं की एक किताब है, इसमें 1810 भजन है। और आखिर में अथर्ववेद आता है, ये जादुई वचनों, भारतीय औषधियों और लोक नृत्य पर ये आधारित है। आर्यनों ने पहली बार भारत पर लगभग 1500 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस वक्त दास और दस्यु यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे, जिनसे उन्होंने युद्ध किया। हाल ही में एक अनुवंशिकी अध्ययन के अनुसार
आर्य 1800 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य एशिया महाद्वीप से भारत में प्रविष्ट हुए, मतलब भारत वो आए। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति, भाषाओं और वेदों का अध्ययन किया, जिससे उन्होंने ये आविष्कार किया कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो काले रंग के लोग हुआ करते थे। उसी काल में वैदिक आर्य भारत आ गए और अपनी संस्कृति का प्रसार प्रचार उन्होंने यहाँ आकर के किया। वे ऋग्वेद नामक एक ग्रंथ भी अपने साथ भारत में लेकर के आए थे, उनका सबसे प्राचीन ये ग्रंथ हुआ करता था। अंग्रेजी विद्वान विलियम जोन्स के अनुसार संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, फारसी, जर्मन इत्यादि भाषाओं का जो मूल है वो एक ही है, लेकिन इनमें हालांकि संस्कृत सबसे ज्यादा विकसित हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत के मूल निवासी कौन है। दोस्तों, आर्यन ब्राह्मणों का कुछ संस्कृति इतिहास जो आज उपलब्ध है मूल निवासियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करता है। इस साहित्य के अनुसार प्राचीन काल में आर्यों और मूल निवासियों के बीच भारी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का वर्णन संस्कृत साहित्य में मिलता है। मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त शब्दावली जो दास है, दस्यु, असुर, राक्षस, रावण और नागा है। ये आर्य आक्रमणकारियों के द्वारा मूल निवासियों को दिए गए एक नाम थे, उन्हें वो इस नाम से पुकारा करते थे। अच्छा, अब ये सिद्ध हो गया कि ये दास, दस्यु, असुर, राक्षस और दानव इस देश के मूल निवासी हैं, जिन्हें अब संविधान में अनुसूचित जाति के रूप में संदर्भित किया गया है और अब ये धार्मिक अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। इन लोगों को मूल निवासी कहने का कई कारण दिया जा सकता है। एक तो ये है कि इन लोगों को अछूत बनाकर सार्वजनिक जीवन से इन्हें निकाल दिया गया और बदहाल जीवन जीने के लिए इन्हें विवश किया गया। मूल निवासियों का दूसरा वर्ग आदिवासी लोग हैं, जिन्हें जंगलों और पहाड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार आर्यों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आचरण, विचार, आस्था, विश्वास और रीति रिवाज जैसे धार्मिक परंपरा, भाषा का जीवन शैली में इसमें कोई समानता आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तीसरा बड़ा वर्ग इसे हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, वह भी इसके यहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता पर काबिज होने और संपत्ति को हासिल करने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया था। मनुस्मृति के अनुसार जब इन ओबीसी ने आर्य के प्रभुत्व को स्वीकार किया तो उन्होंने उन्हें हिंदुओं के धार्मिक अधिकार दिए, लेकिन उनके लिए वैदिक प्रणाली के बजाय पौराणिक प्रणाली को अपनाने के लिए विवश किया गया। अच्छा, इससे ये भी सिद्ध होता है कि ये जो वर्ग है वो वैदिक नहीं है सकते हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के 95% लोग इसी मूल निवासी जाति के हैं। यानी अखंड भारत के जो मूल निवासी हुए वो यही आदिवासी लोग हैं जिन्हें समानता SC ST OBC में विभाजित कर दिया गया। दोस्तों, यूं तो इस विषय की बहुत गहराई से आज भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे इतिहासकार हमारे भारत में और विदेशों में भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं और ये सिद्ध किया है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो खास तौर से आदिवासी प्रणाली के जो लोग हैं वही हैं। तो दोस्तों, ये इतिहासकारों का तर्क जिससे भारतवर्ष के मूल निवासी को आदिवासियों से जोड़ा गया है, इस संबंध में आपका क्या विचार है, आप इसमें क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।